गूगल क्रोम में सेफ ब्राउजिंग कैसे करते हैं गलत कंटेंट वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक कैसे करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्रोम ब्राउजर में आप हार्मुल और डेंजरस वेबसाइट्स को ईजिली ब्लॉक कर सकते हैं इसके लिए क्रोम ब्राउजर में आपको कुछ सेटिंग्स को कस्टमाइज करना होगा और अपने फ़ोन की एक सेटिंग को भी आपको चेंज करना होगा तो दोस्तों गूगल क्रोम में ये नए कंटेंट वाली साइट्स को ब्लॉक करने के लिए क्रोम की सेटिंग्स को आपको ओपन करना है टॉप साइड में अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है और क्रोम की सिक्योरिटी सेटिंग को कस्टमाइज़ करना है सेटिंग्स पेज में आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग में आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और सिक्योरिटी सेक्शन में सबसे पहले सेफ ब्राउजिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेफ ब्राउजिंग के अंदर इनहेंस्ड प्रोटेक्शन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद क्रोम ब्राउजर में ब्राउजिंग करते टाइम आपको डेंजरस कंटेंट के अगेंस्ट रियल टाइम पर प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन मिलेगी और आपकी ब्राउजिंग काफ़ी हद तक सेफ हो जाएगी इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है और सिक्योरिटी सेक्शन में नेक्स्ट ऑप्शन ऑलवेज़ यूज सिक्योर कनेक्शन ऑप्शन को इनेबल कर देना है इसके बाद आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाली साइट्स पहले की तरह नॉर्मली ओपन होती रहेंगी लेकिन बिना एच यानी कि एच वाली साइट्स ईजीली ओपन नहीं हो पाएंगी ये ओपन करने पर साइट लोड होते टाइम आपको एक वार्निंग मिलेगी कि ये साइट इनसिक्योर है एच टी टी पी एस हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है इसलिए यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को ऑन करके रखना है इन दोनों ही सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने के बाद यहाँ पर आपको यूज़ सिक्योर डी एन एस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट इंटरफेस में यूज़ सिक्योर डी एन एस ऑप्शन को इनेबल करना है और चूज़ अन अदर प्रोवाइडर ऑप्शन को सिलेक्ट करके कस्टमाइज ऑप्शन के सामने ड्रॉप डाउन पर आपको क्लिक करना है और फिर क्लीन ब्राउजिंग फैमिली फ़िल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है अपने क्रोम ब्राउज़र में इन सभी सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने के बाद आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में प्राइवेट डी एन सर्च करना है इसके बाद प्राइवेट डी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस सेटिंग को ओपन करना है प्राइवेट डी सेटिंग को ओपन करने के बाद डेजिग्नेटेड प्राइवेट डी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक यू एंटर करना है फैमिली डॉट एट गार्ड डॉट कॉम का यू आपको यहाँ पर एंटर करना है और चेक मार्क आइकन पर क्लिक करके सेटिंग को सेव कर लेना है इसके बाद आपके क्रोम ब्राउज़र में हार्मफुल डेंजरस और गलत कंटेंट वाली वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाएंगी और आपके ब्राउज़र का सर्च रिजल्ट भी क्लीन हो जाएगा इस लास्ट सेटिंग को कस्टमाइज़ करने के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को नेटवर्क इशू हो जाए इसलिए वो सभी यहाँ पर ऑटो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए अदरवाइज़ इस सेटिंग को आपको ऐसे ही रहने देना है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद